नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। माफिया तीख की निशानदेही पर कई स्थानों पर छापा, ईडी ने भी कसा शिकंजा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की निशानदेही पर प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई। बताया जाता है कि पाकिस्तानी हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को लेकर बीती रात कौशाम्बी के महगांव इलाके में पहुंची थी। इसके अलावा अतीक ने सैयद सरावा गांव में किसी व्यक्ति का पता बताया था। पुलिस उसे लेकर वहां भी पहुंची। इसके साथ ही अतीक की निशानदेही पर यूपी के अलग अलग जिलों में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर टीमों ने छापा मारा। इनमें अतीक अहमद के करीबी वकील खान व बिल्डर खालिद जफर समेत कई करीबियों के दर्जन भर से अधिक ठिकाने भी शामिल हैं। अतीक अहमद की निशानदेही पर 100 से अधिक संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने जांच पड़ताल कर जब्त किया है। ईडी की छापेमारी में 84.68 लाख रुपए कैश, करीब 3 करोड़ के गहने और 30 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अतीक के बेटे असद को दफनाया गया, नाना मौसा समेत 25 रिश्तेदार हुए शामिल। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान के अंदर असद के नाना हामिद अली समेत 20-25 रिश्तेदार को ही जाने दिया गया। अतीक के रिश्तेदारों को कसारी मसारी कब्रिस्तान पुलिस खुद अपनी गाड़ी से लेकर पहुंची। स्थानीय लोगों को कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर पहले रोक दिया गया। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई। वहीं माफिया अतीक अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। इससे पहले सुबह 9:30 पर असद और गुलाम के शव झांसी से प्रयागराज लाए गए। असद का शव घर की जगह सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं गुलाम के शव को प्रयागराज के महेंदौरी कब्रिस्तान में सुपुर्द एखाक किया गया। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने किया तलब, केजरीवाल बोले ये जबरन फंसाने की साजिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए कल बुलाया है। इससे पहले केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई, ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि ये जबरन फंसाने की साजिश है, अगर मैं बेईमान हूँ तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन तोड़ दिए, जबकि 5 फोन ईडी और सीबीआई के पास है, बाकी के फोन किसी न किसी वॉलंटियर के पास है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने कोर्ट में भी झूठ बोला और मनीष सिसोदिया के बेल रोकी। केजरीवाल ने कहा कि चंदन रेड्डी, अरुण रेड्डी, समीर महेंद्रू और न जाने और कितने लोग हैं जिन्हें टॉर्चर कर बयान लिखवाए जा रहे हैं। इससे पूर्व भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया से बातचीत में केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का सरगना बताया। इसके साथ ही कई सवाल किए। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, एक्टिव केस 50,000 के पार। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा रखी है। एक दिन में कोरोना के 10,753 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते दिन कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53,720 हो गई है। कोरोना से रिकवरी दर फिलहाल 98.69% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.78% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 4.49% रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या 2589 तक पहुंच गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 68 जिलों तक कोविड संक्रमण फैल गया है। बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर, अब तक 14 लोगों ने दम तोड़ा, कई की हालत गंभीर। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया। मोतिहारी में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच गई है, जबकि 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जाते हैं। इन सभी के जहरीली शराब पीने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोतिहारी जिले के
तुरकौलिया में 4, सुगौली में 5, पहाड़पुर में 2 और हरसिद्धि में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है। बीती शाम पहला मामला तुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में सामने आया, जब बैरिया बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में रामेश्वर राम उर्फ जटाराम की मौत हो गई। इसी गांव के ध्रुव पासवान ने मोतिहारी के निजी अस्पताल में और अशोक पासवान व छोटू पासवान ने मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम संबंधित गांवों में भेजी गई है। महाराष्ट्र में बड़ा सड़क हादसा, बस खाई में गिरने से 12 यात्रियों की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में बीती रात एक बस 700 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया गया है। इनमें से कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा खंडाला और खोपोली के बीच पुराने नेशनल हाईवे पर शिंगरोबा घाट से उतरते समय हुआ। पुलिस के अनुसार बस पुणे से मुंबई जा रही थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बचाने की कोशिश की। घायलों का इलाज के लिए खोपोली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाल बाल बचे जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, सभा में किया गया स्मोक बम से हमला। जापान की प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सभा शुरू होने से ठीक पहले जोरदार धमाका हुआ। जापानी पीएम की सभा में स्मोक बम से हमला किया गया। इस सभा का आयोजन सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित की गई थी और यहां प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा स्पीच देने वाले थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि धमाका बहुत तेज था। सभा स्थल की एक वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है कि विस्फोट के बाद मौजूद लोग भागने लगते हैं, जबकि पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर 8 जुलाई 2022 को हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान वह एक सहयोगी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।